नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के साथ साथ वहां फंसे अन्य देश के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है। पाकिस्तानी युवती अशमा सफीक ने यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने पर भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री जी आपके भी आभार व्यक्त किए हैं। ये समाचार एक हफ्ते पहले पूरे देश ने सुने पढ़े और उस पाकिस्तानी युवती अशमा सफीक का वो वीडियो भी भारत की जनता ने देखा सुना, जिसमें उसने भारत को धन्यवाद दिए हैं। बेटी चाहे किसी भी मजहब की हो, चाहे किसी भी कौम की हो, बेटी तो बेटी है। और वो बेटी जब आपको धन्यवाद दे रही है तो निश्चित आपने सराहनीय कार्य किया है। हम उसके लिए आपको और भारत सरकार को साधुवाद देते हैं। किंतु एक सवाल है आदरणीय मोदी जी, भारत की एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों लाखों बेटियां, लाखों लाखों महिलाएं, 85 वर्षीय बुजुर्ग संत, निर्दोष संत, महान संत श्री आशाराम जी बापू के रिहाई की मांग कर रही है। 8.5 साल से अधिक समय हो गया है पूज्य बापू जी कारावास में सजा भुगत रहे हैं, उस अपराध की सजा जो उन्होंने किया ही नहीं। लाखों लाखों अपराधियों को मानवता की राह दिखाने वाले, साधुता की दिशा दिखाने वाले संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सबका मंगल सबका भला चाहने और करने में लगा दिया, उन पर एक बच्ची ने बेबुनियाद आरोप लगा दिए तो मेडिकल रिपोर्ट आदि बेगुनाही के कई सबूतों को नजरअंदाज करके बापूजी को सजा सुना दी गई। और आज हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उच्च न्यायालय में केस चल रही है, तो बस तारीख पर तारीख चल रही है। इतना लंबा समय केस चलाया जा रहा है और उसमें कभी बेल नहीं दी और ना ही एक दिन की पैरोल ही दी गई। कभी पाकिस्तानी बच्ची ने धन्यवाद मिले, पाकिस्तानी बच्ची से आपको धन्यवाद मिले, ऐसा काम तो आपने कर दिया, करना ही चाहिए। किंतु 8.5 साल से देश की लाखों लाखों माता बहनें बेटियां गुहार लगा रही है, मांग कर रही है कि एक बुजुर्ग संत पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, उनके साथ हो रहे अन्याय को बंद करके उन्हें न्याय दिया जाए। तो ये देश की बेटियों की आवाज, नारी शक्ति की ये आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मामला न्यायालय में चल रहा है, किंतु सरकार चाहे तो सत्य के लिए बहुत कुछ कर सकती है, पक्का कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। आखिर क्यों सरकार पूज्य बापूजी के मामले में अंधी बहरी गुंगी बनी हुई है? आपके राज में कब तक सत्य को परेशान किया जाएगा, कब तक सहना होगा एक निर्दोष व बुजुर्ग संत को अत्याचार? ये सवाल देश के करोड़ों लोग पूछ रहे हैं और उनमें शामिल है हमारी लाखों माता बहन बेटियां। यूक्रेन से पाकिस्तानी बेटी को निकाला, पूज्य बापूजी को जेल से कब निकालोगे? विदेश में विदेशियों के सुरक्षा की चिंता है आपको, किंतु समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले संत पर अपने ही देश में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार की सारे हदें पार हो गई, अब तो वो क्यों नहीं दिखाई देता आपको? क्यों नहीं दिखाई देता? ये सवाल है देश की करोड़ों करोड़ों जनता का। हरिओम।